नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022 इन दिल्ली एंड राजस्थान। जी दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान शिक्षक भर्ती की जानकारी आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। कई अलग अलग नोटिफिकेशन आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए हैं। पीजीटी टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट है, उसी के साथ साथ प्राइमरी और नर्सरी टीचर की भी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इन सभी रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और सभी नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक एक करके बिल्कुल विस्तार से। यह है दोस्तों आज का सबसे पहला नोटिफिकेशन। बिरला स्कूल पिलानी, किशनगढ़ और श्री गंगानगर राजस्थान की तरफ से टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। टीजीटी में इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर की वैकेंसियां हैं, स्पेशल एडुकेटर की हैं, कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव स्कूल्स की वैकेंसी आई हुई है और पीआरओ कम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की भी है। एक्सपीरियंस्ड IELTS और TOEFL ट्रेनर की भी है, ऑफिस असिस्टेंट और PA2 प्रिंसिपल की है, जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है और उसी के साथ साथ पोस्टल हेड और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, मेट्रोन और कोचेज की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। कोचेज में टाइकांडो, कराटे और बैडमिंटन के लिए रिक्रूटमेंट है। क्वालिफिकेशन एज पर CBSE नॉर्म्स होनी चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास हो, PF भी मिलेगा, ग्रेजुएटी भी मिलेगी और सैलरी अलाइन टू 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के हिसाब किताब से ही आपको यहाँ सैलरी मिल जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.bet.org.in। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की रिक्रूटमेंट। अब चलते हैं दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है। पहली रिक्रूटमेंट है न्यू इरा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, जो मायापुरी रोड न्यू दिल्ली 64 यहाँ पे है। यहाँ वैकेंसी है न्यू इरा पब्लिक स्कूल मायापुरी के लिए। PGT साइकोलॉजी MA BEd आपने कर रखा हो, TGT इंग्लिश MA BEd कर रखा हो, TGT कंप्यूटर साइंस MSc या MCA कर रखा हो, PRT हिंदी MA BEd आपने कर रखा हो, लीगल स्टडीज पार्ट टाइम है, आर टीचर की है और लाइब्रेरियन की है। इनके लिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपने कर रखा हो। इसी के साथ साथ न्यू इरा पब्लिक स्कूल द्वारका में वैकेंसी है TGT मैथ्स की, MSc प्लस BEd आपने कर रखा हो, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस यहां मांगा गया है। 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट सोसाइटीज ऑफिस फॉर एप्लीकेशन फॉर्म जो सोसाइटी का ऑफिस है वहां पर आपको मिल जाएगा। विदिन 7 वर्किंग डेज बिटवीन 10 AM टू 12 नून, 10 से और 12 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म लेके और जमा करा सकती हैं। ऑनलाइन भी अगर आप आवेदन करना चाहें तो ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये email ID दी गई है। बाकी जो सोसाइटी है उसके ऑफिस से भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद अगली रिक्रूटमेंट आ रही है ZD गोयनका स्कूल की तरफ से। मलिबू टाउन कहाँ पे है, ये गुड़गांव में है और इंटरव्यू होगा GD गोयनका पब्लिक स्कूल ब्लॉक ए विपुल वर्ल्ड सेक्टर 48 गुरुग्राम। यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, कब, आज 29 सितंबर 2022 दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक। और इंटरव्यू है सेंटर इंचार्ज का, प्री प्राइमरी टीचर का, एडमिशन काउंसलर का, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, एक्टिविटी टीचर का, म्यूजिक डांस आर्ट और डे केयर टीचर का। तो इन पदों का इंटरव्यू यहां कंडक्ट कराया जाएगा आज ही। इसके बाद अगली रिक्रूटमेंट आ रही है इंद्रप्रस्था ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से, जो कि द्वारका और पश्चिम विहार में है। यहाँ वैकेंसी PGT इंग्लिश साइकोलॉजी, TGT इंग्लिश मैथ, PRT हिंदी साइंस, मदर टीचर क्लास 1st एंड 2nd, स्पेशल एडुकेटर, अकाउंटेंट, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट 7 दिन के अंदर अंदर जो ये email ID दी गई है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी रिक्रूटमेंट की जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई गई है ये सभी 28 सितंबर 2022 के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप कल 28 सितंबर 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं। सभी प्राइवेट स्कूल हैं और किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए आवेदन करने से पहले अपने लेवल पे उस स्कूल के बारे में सारी जानकारी अवश्य ले लें। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।